पंजाब वैदर टूडे देख रहे सारे ही स्रोतियां नूं जी आयां नूं जिस वेले दी वड्डी खबर दोस्तों तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां जी। पंजाब दीआं धीआं वास्ते आई सी एम भगवंत मान वल्लों वड्डी खुशखबरी जानन दे लई वीडियो नूं अंत तक देख लिओ, तुहानूं पूरी खबर दा पता लग जाएगा। वीडियो नूं लाइक, चैनल नूं सबसक्राइब अते वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना ना भुल्लो। इस वेले दी वड्डी खबर पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बनन दे नाल वख-वख मंत्रालयां विच मंत्रियां दे अहुदे संभाले गए हैं। हाल ही के पंजाब के मंत्रिमंडल में शामिल इकलौती महिला डॉक्टर बलजीत कौर ने समाजिक न्याय सशक्तिकरण समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास वजो सौं चुकी। इस तो बाद उन्होंने धियां दे लई वजीफे ते स्कीमां तुरंत प्रभाव नाल लागू करन दा ऐलान करन दा कहिंदा कि 31 मार्च तक लोगों इन दोवां चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सिविल सकत्तरेत अपना अहुदा संभालदिआं मुख मंत्री कैबिनेट डॉक्टर बलजीत कौर ने औरतों की सुरक्षा नाल संबंधित कानूनों लागू करन दी लोड़ ते जोर दिता। इस दे नाल उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू शगन स्कीम 31 मार्च तक लागू कर दी जाएगी क्योंकि लाभपात्रियों को इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने अपनी तरजीहां ते जोर दिंदिया कहा है कि सिक्ख्या लड़कियां दी सशक्तिकरण की पूंजी है ते उह इस देश दे नाल वचनबद्ध रहेगी कि औरतों नूं वित्तीय सहायता देण दे चोण वादे बारे गलबात करदा। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सूबा सरकार अपने हर एक चोण वादे नूं लागू करेगी। उन्होंने कहा घट्टो घट आमदन वाले परिवारों में धियां के विआहां की शगन स्कीम तहत सूबा सरकार वल्लों 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। जे इस विच किसी भी घट गिनती भाईचारे के लड़के लड़की ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लई अप्लाई कर सकते हैं। जिहड़े लड़के लड़कियां ने 10वीं जमात पास की है। धन्यवाद।